हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, ये है वन लाइन एंड टेक न्यूज का 44th एपिसोड। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए पूरे दिन भर की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोजाना ही ऐसी टेक न्यूज चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज की वन लाइन एंड टेक न्यूज का ये एपिसोड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में, साथ में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के बारे में। तो यहां पर सभी मोबाइल्स पर आपको काफी अच्छे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। साथ में जो यहां पर अमेजन की सेल है वहां पर आपको जो SBI का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास है तो 10% का डिस्काउंट वहां पर आपको दिया जा रहा है। साथ में जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है वहां पर आपको जो है HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ में जो है 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैंने सभी मोबाइल डील्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, आप डायरेक्ट वहां से जो है इन डील्स को चेक कर सकते हैं। और कुछ एक बेहतरीन डील्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका पोको F1 हुआ उस पर आपको काफी अच्छी डील मिल जाएगी, Asus ZenFone 5Z हुआ या Asus ZenFone Max Pro M1 हुआ, ये सभी स्मार्टफोन्स आपके फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। जबकि अमेजन पर आपको ऑनर के कुछ एक स्मार्टफोन पर काफी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो ऑनर 7X है वो अब आपको केवल 9,999 रुपए मिल जाएगा और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स अमेजन पर अवेलेबल है। दोस्तों, यहां पर सैमसंग गैलेक्सी S8 पर भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है फ्लिपकार्ट पर, वो आपको मिल जाएगा 29,999 रुपए में। साथ में OnePlus 6 आपको मिल जाएगा केवल 29,999 रुपए में। तो अगर आप 30,000 रुपए के आसपास कोई अच्छा सा स्मार्टफोन चाह रहे हैं तो फिलहाल आप OnePlus 6 ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की टेक न्यूज की। तो यहां पर जो पहली टेक न्यूज निकल कर आ रही है वो ओप्पो के नए स्मार्टफोन K1 को लेकर आ रही है। और ओप्पो का जो K1 है वो सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जिसमें आपको जो है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, यानी कि आपको डिस्प्ले के अंदर ही यहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है। फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, यहां पर आपको 6.4 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट वाला नॉच देखने को मिलेगा। बात करें यहां पर रैम की तो 4GB और 6GB रैम वेरिएंट आपके उपलब्ध होंगे और इनमें आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है। कैमरा की बात करें तो रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन सेंसर 16 MP का होगा, जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो आपका 2 MP का होने वाला है। फ्रंट में आपको 25 MP का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 3600 mAh की बैटरी दी गई है। और दोस्तों, फिलहाल ये स्मार्टफोन जो है अवेलेबल है चाइना के अंदर। अगर यहां पर जो है इंडियन प्राइस की बात करें, जो यहां पर 4GB रैम वेरिएंट है उसका प्राइस है चाइना में 1599 युआन, यानी कि करीबन जो है आपको ये 17,000 रुपए में पड़ेगा अगर इंडियन करेंसीज की बात करें। जबकि जो 6GB रैम वेरिएंट है उसका प्राइस है 1799 युआन, ये आपको पड़ेगा 19,200 रुपए में। तो अगर इंडिया में भी स्मार्टफोन आता है तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन ये होने वाला है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आज की जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो यहां पर विंडोज 10 के अक्टूबर अपडेट को लेकर आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन अब फिर से जो है यहां पर विंडोज 10 का अक्टूबर अपडेट रिज्यूम कर दिया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि कुछ एक बग्स थे, अब उन सभी बग्स को फिक्स कर दिया गया है। तो आप अपनी विंडोज 10 को फिलहाल अपडेट कर सकते हैं अक्टूबर के इस अपडेट के साथ में। दोस्तों, आज की जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो यहां पर जो है वोडाफोन के एक नए ऑफर को लेकर आ रही है कि अगर आप वोडाफोन की वेबसाइट से परचेज करते हैं यहां पर iPhone XS या iPhone XS Max, तो दोनों ही स्मार्टफोन पर आपको जो यहां पर जो ऑफर दिया जा रहा है कि आप यहां पर जो है वोडाफोन का कोई भी पोस्टपेड प्लान लेते हैं तो वहां पर आपको जो है पर मंथ 20% डिस्काउंट दिया जाने वाला है। दोस्तों, आज की जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो यहां पर माइक्रोमैक्स के नए स्मार्ट टीवी को लेकर आ रही है, जिसे यूफोरिया सीरीज के तहत आज लॉन्च किया गया है। 40 इंच का एक फुल HD टीवी लॉन्च किया गया है, जिसका कीमत जो रखा गया है वो 18,499 रुपए रखा गया है। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आती है वो Realme 2 Pro को लेकर आ रही है कि अगर आप Realme 2 Pro परचेज करना चाहते हैं तो इसकी सेल आज रात 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप बिल्कुल यहां पर परचेज करना चाह रहे हैं तो आप रात को ही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स का पता नहीं पहली फ्लैश सेल है कब यहां पर स्टॉक्स आउट हो जाए, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं रात को 12 बजे भी। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आ रही है यहां पर पोको F1 की सेल को लेकर आ रही है कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान पोको F1 आपको पड़ने वाला है 5,799 रुपए में, यानी कि यहां पर कुछ एक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये आपको 5,799 रुपए में मिलेगा। इसकी जो कीमत है वो यहां पर 21,999 रुपए, लेकिन बताया जा रहा है कि 1,000 रुपए का यहां पर आपको जो है डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ में अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है उसे आप एक्सचेंज करेंगे तो मिनिमम 500 रुपए का वहां पर आपको एक्सचेंज वैल्यू दिया जाएगा और यहां पर आपको जो है 10% डिस्काउंट दिया जाएगा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से।
और उसके बाद अगर आप 149 में यहाँ पर फ्लिपकार्ट का बायबैक प्रोग्राम लेते हैं तो 8 महीने के अंदर अगर आप स्मार्टफोन को जो है वापस करते हैं यानी कि एक्सचेंज करते हैं तो फ्लिपकार्ट आपको 14,700 रुपए देगा। तो इन सभी डिस्काउंट के साथ में पोको एफोन आपको पड़ जाएगा 5,799 रुपए में। दोस्तों आज की जो अगली न्यूज आती है यहां पर वो हैथवे ब्रॉडबैंड की तरफ से आ रही कि उन्होंने एक नया प्लान यहां पर लॉन्च किया है जो कि 1699 रुपए वाला। इस 1699 रुपए वाले प्लान में आपको मिलेगा 2 TB डेटा 300 Mbps की स्पीड से। अगर आप यह डेटा यूज कर लेते तो वहां पर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा 5 Mbps की स्पीड से। और अगर आप दोस्तों ये प्लान लेते हैं पूरे ईयर के लिए यानी कि 12 मंथ्स के लिए तो ये प्लान आपको पड़ जाएगा केवल 1250 रुपए में, क्योंकि आपको एक साल के लिए पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर टेक न्यूज। आशा करता हूँ वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।